बात बताऊं, मैंने आज एक खबर पढ़ी है, मैंने देखी है, 10 लाख सिलेंडर उन्होंने, मेरे ख्याल 10 लाख या 10 करोड़ सिलेंडर, 10 करोड़ सिलेंडर उन्होंने गरीब पब्लिक को फ्री दिया, किसने? नरेंद्र मोदी ने। अच्छा। और जिसका नंबर 10 करोड़ है ना, आखिरी लास्ट नंबर नरेंद्र मोदी उनके घर पे गए, वो बिल्कुल गरीब है, कच्चा घर है, वहाँ उसने बैठ के चाय पी है। कब हमारे घर चाय पी, उसने चाय पी है, कब हमारे घर पे नवाज शरीफ आया या शहबाज शरीफ आया? खड़े हैं आप, कैमरा अपना डालें सड़क की तरफ और यहाँ पे देखें कि ड्राइविंग के जो मैनर्स हैं या रूल्स हैं कौन कितना फॉलो कर रहा है, ये दिखाइएगा गाड़ियों को। देखें यहाँ पे अगर एम्बुलेंस आ जाए, अगर यहाँ पे एम्बुलेंस आ जाए, अगर एम्बुलेंस आ जाए तो वो क्या करेंगे ये लोग बेचारे, किस कैसे रास्ता देंगे, ये रास्ता देने की पोजीशन नहीं है। नहीं, मैं आपको चाय एक बात बता देता भाई जान, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, मैंने एक नरेंद्र मोदी का मैंने एक प्रोग्राम देखा जिसके अंदर वो तकरीर कर रहे हैं, तो अजान होने लगी, जब अजान होने लगी तो उसने सबको चुप करवा दिया। और बाखदा मेरी कोई दुश्मनी नहीं है नवाज शरीफ से, मैंने नवाज शरीफ को भी करते हुए देखा, तो पीछे से आदमी ने बोला कि अजान हो रही है, तो जो कह रहा मुझे भी पता अजान हो रही है, तो जय भाईजान एक नान मुस्लिम और मुसलमान देख लो, जो नान मुस्लिम है वो मुसलमानों के तरीकों पर चल रहे हैं और मुसलमान नान मुस्लिमों के तरीके पे, इसलिए हम लोग पीछे हैं। रियल दुश्मन है ना वो इस वक्त चाइना है, और जिसको वो टक्कर दे रहा है, ओह माय गॉड, ठीक हो गया, वेरी गुड यार, आपने टक्कर दे रहा है उसको, और चाइना ने काफ़ी ज़्यादा जो 7 सिस्टर्स हैं उसमें उसकी, उन 7 सिस्टर्स में से उसने तकरीबन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 3 सिस्टर्स जो हैं उन्होंने टेक ओवर कर ली हैं, जो कि नरेंद्र मोदी उसको कवर करने की, अंडर कवर रखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो ढकी छुपी नहीं है। गूगल मैप पे जाएं आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी, लेकिन जितना भी है वो बंदा अपने मुल्क के साथ मुखलिस है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ आपका मेज़बान राना नासिर और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं प्रोटोकॉल के हवाले से बात करेंगे। आज एक बड़ी वीडियो वायरल हुई है सोशल मीडिया में कि नरेंद्र मोदी ने जो है अपना काफिला रोक के, अपना VVIP मूवमेंट थी उनकी और वो जा रहे थे, और जब उन्होंने देखा कि एम्बुलेंस आ रही है तो उन्होंने अपना मूवमेंट जो है VVIP मूवमेंट जो है वो साइड पे लगा दी, अपना प्रोटोकॉल साइड पे लगा के एम्बुलेंस को रास्ता दिया। तो अगर बात की जाए पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में ये चीज़ें देखने को नहीं भी मिलती हैं। यहाँ पे जो है एम्बुलेंस का गुजरना मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है, और मुश्किल हो जाता है कि यहाँ पे एम्बुलेंस गुजर नहीं सकती, बड़ी मुश्किल से जो है ना एम्बुलेंस को, समटाइम इस तरह होता है कि मरीज़ जो है बीच में मरीजों की डेथ भी हो जाती है, हमारी बहनें जा रही होती गायने के लिए, उनके जो है बड़े मसले बन जाते हैं, पेट में मसले बन जाते हैं बच्चों के, और हम जो है हमारे लिए भी लम्हा फिक्रिया है कि कम से कम हम भी जो है अपने हमसाया ममालिक की कॉपी करें और हम भी अपने प्रोटोकॉल कम करें। आवाम का जो पैसा है टैक्स का बेदर्दी के साथ रोंदा जा रहा है, हमें ऐसा नहीं भी करना चाहिए। तो बढ़ते हैं पब्लिक की तरफ, पब्लिक की जाकर राय लेते हैं कि पब्लिक इस हवाले से हमें क्या राय देते हैं। बढ़ते हैं पब्लिक की तरफ और मिलते हैं वीडियो के एंड में। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद मुबीन। मोहम्मद मुबीन, ठीक हो गया, और करते क्या? मैं काम करता हूँ छोटा मोटा। ठीक हो गया। एक खबर नशर हुई है, एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है, नरेंद्र मोदी ने क्या किया, वो जा रहा था प्रोटोकॉल के साथ, जब उसने देखा तो उसने एम्बुलेंस को रास्ता भी दे दिया, अपना प्रोटोकॉल रोक के ना एम्बुलेंस को रास्ता दिया और वो बआसानी तरीके से गुजर गई। तो पाकिस्तान में ऐसा क्यों देखने क्यों नहीं मिलता सर? बेसिकली बात यह है कि आपने बात की है नरेंद्र मोदी की, और आप उसको इक्वल करना चाह रहे हैं पाकिस्तान के साथ, और बींग ए पाकिस्तानी एक सच बात कहूँ कड़वी ज़रूर है, लेकिन हम उनको मैच नहीं कर सकते। सीधी सी बात है, वो चांद पे जा चुके हैं। देखिए मैच या अल्लाह माफ करे, हमारी किसी के साथ मुखालफत नहीं है, हमने तरक्की पे बात करनी है, हमने तरक्की देखनी है सर। कि आप 50 साल भी तरक्की करें ना हर साल, आप उसको नहीं पकड़ सकते। सही कह रहे हैं सर, नहीं पकड़ सकते, सही कह रहे हैं। सीधी सी, देखिये इंडिया 4 चांद पर पहुंच गया, तो सर हमारा टॉपिक जो था वो एम्बुलेंस के ऊपर था, बड़ा अच्छा उसने जो है ना एक सवालिया निशान है हमारी कंट्रीज़ के लिए, हमारे पाकिस्तानियों के लिए, ऐसा इधर देखने को क्यों नहीं मिलता सर? देखें बात ये है कि ये अपने प्रोटोकॉल यहाँ पे जमहूरियत का तो कोई भी कंसेप्ट नहीं है, दूर दूर तक देखा जाए, सीधी सी बात है, जमहूरियत आप देख लें 2018 के बाद, जो 2018 के इलेक्शन में जो हुआ है उसके बाद आप देखें
तीन साल गवर्नमेंट चली है, उसको टेक ओवर किया गया, किस तरीके से किया गया, किस तरीके से करवाया गया, वो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। इंटरनेशनल मीडिया भी उसको कवरेज देता रहा, ठीक हो गया। उसके सर क्या देख रहे हैं, हमारे इधर कैसा कल्चर है, जो अपना गुजरना होता है पैदल वालों ने, वो देखते हैं वीआईपी कल्चर है, ये गुजरेगा फिर हमें रास्ता मिलेगा, ये प्रोटोकॉल गुजरेगा फिर एम्बुलेंस को रास्ता मिलेगा। सर ऐसा क्यों है पाकिस्तान में? देखिए बात ये है कि पाकिस्तान में कल्चर हम लोगों ने खुद चेंज करना है। किसी वीआईपीज ने, किसी सियासतदान ने, किसी ब्यूरोक्रेट ने, ये किसी ने भी हमें सिखाना नहीं है कि हमने अपना हक कैसे लेना है। एक बंदा आया था, उसने आपको कहा था कि आप अपना हक लें, लेकिन आपने उसको सलाहों के पीछे ऐसा बंद किया कि अभी तक कोई नामो निशान ही नहीं है, ठीक है। खुद ठीक नहीं करेंगे। नरेंद्र मोदी को कहां देख रहे हैं सर? नरेंद्र मोदी को मैं बहुत आउट क्लास और हाई लेवल पे देख रहा हूँ। कैसे सर? वो इस वजह से कि वो अपने मुल्क के साथ फेयर है। मैं, आप या कोई और इतनी पूरी मार्केट में देख लें, किसी से भी बात करें, हर किसी को अपनी अपनी पड़ी है, किसी को इस मुल्क की नहीं पड़ी। सीधी सी बात है, वो लोग अपनी कंट्री के साथ, अपने मुल्क के साथ, अपनी ज़मीन के साथ मुखलिस हैं। हम लोग सॉरी टू से मुखलिस नहीं हैं, बिल्कुल भी मुखलिस नहीं हैं। ये एक सच्ची बात है, हकीकत बात है। चंद ही अरसे में नरेंद्र मोदी ग्रो करवा गया अपने मुल्क को, अपनी आवाम के बारे भी सोचता है, गैर मुस्लिम है, मुस्लिम है, हर बंदे ही उनके गुण गा रहे हैं। सर इसका क्या रीज़न है? सर वो वर्ल्ड की थर्ड पॉपुलर इकोनॉमी है, आप उसको नहीं टक्कर दे सकते। सीधी सी बात है, आप उसको, आप उसके कैलिबर में नहीं हैं। ये तो कह लें कि आपकी बहुत बड़ी खुशनसीबी है या कुछ ऐसा मामला है आपका कि वो आपको अपने दुश्मन के लायक भी समझ रहा है। ये बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ मैं आपको, ये उसकी बहुत बड़ी दूरंदेशी है कि वो आपको अपना दुश्मन भी समझ रहा है। अदरवाइज अगर आप पूरा वर्ल्ड को देखें तो जो उसका रियल दुश्मन है ना, वो इस वक्त चाइना है, और जिसको वो टक्कर दे रहा है। ओह माय गॉड, ठीक हो गया। वेरी गुड यार, चाइना टक्कर दे रहा है उसको, और चाइना ने काफ़ी ज़्यादा जो सेवन सिस्टर्स हैं उसमें, उसकी उन सेवन सिस्टर्स में से उसने तकरीबन, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तीन सिस्टर्स जो हैं उन्होंने टेक ओवर कर ली हैं, जो कि नरेंद्र मोदी उसको कवर करने की, अंडर कवर रखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो ढकी छुपी नहीं है। गूगल मैप पे जाएं आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। लेकिन जितना भी है वो बंदा अपने मुल्क के साथ मुखलिस है, सीधी सी बात है। सर क्या लगता है आपको, पाकिस्तान कब ग्रो करेगा? कहाँ देख रहे हैं पाकिस्तान? पाकिस्तान का कंपैरिजन के किन कंट्रीज के साथ हम कर सकते हैं? हम कैसे आँख में आँख डाल सकते हैं गैर मुस्लिम में? जब आप खुद कफील हो जाएंगे। हाय हाय हाय, कैसे खुद कफील होंगे? कोई राय दे दें, कोई पैगाम दे दें, कोई यूथ को पैगाम दे दे, हुक्मरानों को पैगाम दे दे। पैगाम ये है कि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, और इसमें इस्लामी जमहूरिया का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। सबसे पहला ये कंसेप्ट आप क्लियर करें कि आप किसके साथ हैं, सूद खाने वालों के साथ हैं या सूद छोड़ने वालों के साथ हैं। जिस दिन आप इन दोनों चीज़ों में फ़र्क कर लेंगे, आप खुद को फील हो जाएंगे और आप कामयाबी के उस ऊंचाई तक जाएंगे कि कोई आपको टच भी नहीं कर पाएगा। थैंक्स अ लॉट। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अस्सलाम जी। अस्सलाम जी। सर क्या नाम है आपका? नासर महमूद। नासर महमूद, सर करते क्या हैं? बिजनेस करता हूँ मेरा भाई, ऑयल का बिजनेस। ऑयल का बिजनेस, ठीक हो गया। अच्छा सर, आज हम बात करने जा रहे हैं, इंडिया में एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है कि नरेंद्र मोदी का जो है ना प्रोटोकॉल जा रहा था, जब नरेंद्र मोदी की टीम ने और नरेंद्र मोदी ने देखा कि एम्बुलेंस गुजर रही है, तो उन्होंने अपनी जो है ना गाड़ियां साइड पे लगा के एम्बुलेंस को रास्ता दे दिया। तो पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं होता सर? पाकिस्तान में भाईजान मैं एक बात करूंगा, किसी को अच्छी लगे बुरी लगे, पाकिस्तान कौम नहीं है, पाकिस्तान एक हजूम है, कौमें ऐसा नहीं करती। मैंने 22 मुल्क देखे हैं। अच्छा माशाल्लाह। मैंने 22 मुल्क, मेरे भाई मैंने 22 मुल्क देखे, जब एम्बुलेंस आती है तो लोग गाड़ियां रोक लेते हैं, गाड़ियां साइड पे कर लेते हैं। यूरोप में? यूरोप में। अच्छा माशाल्लाह, बात मेरी समझ गए? तो भाईजान जहां तो कोई रास्ता नहीं देता, बल्कि एम्बुलेंस के पीछे गाड़ियाँ भगाते हैं। मैं तो हूँ पाकिस्तानी, लेकिन कौम नहीं बोलूँगा, एक हजूम बोलूँगा भाई। हमारा हजूम है, हमारा हजूम है, हम एक कौम नहीं है। तो इंडिया में रूल ऑफ रेगुलेशन इतनी क्यों है सर? वहाँ पे रिस्पेक्ट क्यों है इतनी? भाई जान वो जहाँ लोग नहीं है वो कुछ पढ़े लिखे हैं, बेशक वो नान मुस्लिम है, लेकिन वो अपना अपना दुनियादारी को जानते हैं। आखिरत को छोड़ दो, वो बातें एक बात की है, लेकिन वो दुनियादारी के असूलों को जानते हैं, उसको वो फॉलो करते हैं भाई। सर नरेंद्र मोदी को अगर देखा जाए, मैं आपको बता देता भाई जान, मैं आपको एक बात बता देता हूँ। मैंने एक नरेंद्र मोदी का मैंने एक प्रोग्राम देखा जिसके अंदर वो तकरीर कर रहे हैं, तो अजान
अजान होने लगी, जब अजान होने लगी तो उसने सबको चुप करवा दिया। और बाखदा मेरी कोई दुश्मनी नहीं है नवाज शरीफ से, मैंने नवाज शरीफ को भी करते हुए देखा, तो पीछे से आदमी ने बोला कि अजान हो रही है, तो जे कह रहा मुझे भी पता अजान हो रही है। तो जे भाईजान एक नान मुसलम और मुसलमान देख लो, जो नान मुसलमान है वो मुसलमानों के तरीकों पर चल रहे हैं और मुसलमान नान मुसलमानों के तरीके पे, इसलिए हम लोग पीछे हैं। सर हमारे उधर क्या, हमारे इधर क्या देखा जाता है, जब वीवीआईपी मूवमेंट जा रही होती है, वीआईपी कल्चर जा रहा होता है, तो हमारी आवाम जो है वो सड़क क्रॉस नहीं कर सकती है। भाईजान मेरे ख्याल में पूरे पाकिस्तान के अंदर 25,000 लोगों ने 25 करोड़ आवाम को जरगमाल बनाया हुआ है। सही है ना, हमें देखो जो थोड़ा बहुत शौर डाला है हमें, वो इमरान खान ने डाला, हम इमरान खान के चाहने वाले हैं बेशक, जो भी हम बात तो हक करेंगे ना, हम झूठ नहीं बोलेंगे। सर क्या देखते हैं पाकिस्तान में ऐसा निज़ाम कब होगा, हम एम्बुलेंसिस को रास्ता कैसे देंगे? सर मेरी एक बात सुने भाईजान, जब बच्चा पैदा होता है उसकी हम जैसी तरबियत कर लें वो वैसा ही करेगा, हमारी तरबियत ही गलत हुई है, हमारा मुल्क ही गलत साइड पे चल रहा, तो क्या जो सुधरेंगे, जो सुधरेंगे नहीं। मेरी 56 साल उम्र हो गई है मेरे भाई, मेरी 56 साल उम्र है, तो मैं तो बड़ी आस उम्मीद लगा के बैठा था, लेकिन अभी ना उम्मीद हो गया हूँ कि जे मुल्क सुधरने वाला नहीं है, इसको कोई सुधारने वाला है ही नहीं, जो इसको सुधारने वाला आता है उसका इलाज कर देते हैं। सर आप क्या कहते हैं? नहीं बिल्कुल, मैंने सर इनकी सारी बातों से एग्री करता हूँ। आगे आ जाइए सर। सर देखें यहाँ पे एम्बुलेंस का क्या प्रोटोकॉल है सर, जब एम्बुलेंस खड़ी होती है तो हम उसे रास्ता नहीं देते, यहाँ पे जब कोई नवाज शरीफ आ रहा है, कोई सदर आ रहा है, कोई MLA आ रहा है, MP आ रहा है, प्रोटोकॉल के साथ जा रहे हैं, आवाम तरस रही है, ये गुजरेंगे तो हम एम्बुलेंस को गुजारेंगे, ये गुजरेंगे तो सड़क क्रॉस करेंगे, ऐसे सर थोड़ी होता है। सर जो प्रोटोकॉल है वो सिर्फ बड़ों के लिए है, आम आवाम के लिए प्रोटोकॉल नहीं, आम का जो बच्चा वो एम्बुलेंस के अंदर ही मर जाता है इनकी प्रोटोकॉल की वजह से, लिहाजा कानून को जो बड़ों ने बनाया कानून वो कानून को खुद फॉलो नहीं कर रहे, तो आम आवाम क्या करेगी फॉलो। सर आपने देखा यार इंडिया इतनी रिस्पेक्ट कर रहा है सर, बांग्लादेश में चले जाएं, अफगानिस्तान में चले जाएं सर, उनके रूल ऑफ लॉ है, उनको फॉलो करते हैं सर, हम किधर खड़े। एक बात बताऊं, मैंने आज एक खबर पढ़ी है, मैंने देखी है, 10 लाख सिलेंडर उन्होंने, मेरे ख्याल 10 लाख या 10 करोड़ सिलेंडर, 10 करोड़ सिलेंडर उन्होंने गरीब पब्लिक को फ्री दिया, किसने? नरेंद्र मोदी ने। अच्छा। और जिसका नंबर 10 करोड़ है ना, आखिरी लास्ट नंबर नरेंद्र मोदी उनके घर पे गए, वो बिल्कुल गरीब है, कच्चा घर है, वहाँ उसने बैठ के चाय पी है, कब हमारे घर चाय पी है, उसने चाय पी है, कब हमारे घर पे नवाज शरीफ आया या शहबाज शरीफ आया या कोई भी आया, हम तो कीड़े मकोड़े हैं भाई, हम इंसान नहीं है यार। सर आप नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, उनकी कारकर्दगी देख रहे हैं, हमें तो सर दुश्मनियों में मार दिया, दुश्मनियों में मार दिया, हमारा दुश्मन है, हमने जंग करनी है, हमने ये करना है, हमने वो करना है। यार देखो एक हक है और एक बातल है, हक को तो हक कहना चाहिए, बातल को बातल कहना चाहिए। मैंने देखा दुबई के अंदर, दुबई का शेख एक दिन सब लोगों से मिल रहा तो एक छोटी सी बच्ची ने आगे हाथ किया, तो शेख ने हाथ नहीं मिलाया, दुबई के शेख ने, तो दूसरे दिन जब उसने कहीं वीडियो देखी वो खुद उस बच्ची के घर पे गया, जाके उसके घर पे जाकर उसको प्रोटोकॉल दिया। कभी कोई हमारे घर पे आया, कोई मिनिस्टर आया, कोई MNA आया, भाई हमें नहीं समझते इंसान, खुदा की कसम हमें इंसान नहीं समझते, जे लोग हमें कीड़ा मकोड़े समझते हैं, हमारी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। सर आपने कौन कौन सी कंट्रीज देखी? मैंने बहुत सारी कंट्री देखी है। इंडिया में गए कभी? नहीं मैं इंडिया में नहीं, दुबई में गया, सऊदी अरब गया, हूँ, सऊदी अरब गया हूँ, ओमान गया हूँ, बहरीन गया हूँ, वहाँ पे गया हूँ, बांग्लादेश गया हूँ, मैं गया बांग्लादेश, मैंने बोला यार कभी वो हमारा मुल्क था तो उसको हम देखे 14 दिन में बांग्लादेश में रह के आया, जे मुल्क कैसा है। मैं 5-6 थानों के अंदर गया, सिर्फ एक आदमी बंद, 6 थानों के अंदर एक आदमी बंद, 6 थानों में एक आदमी सिर्फ बंद, और मैं 2 फोन अपने हाथ में लेके बांग्लादेश में घूम रहा हूँ, कोई कहीं किसी ने हमसे फोन नहीं छीना, किसी ने हमारे ऊपर कोई जुल्म नहीं किया, कोई ज्यादती नहीं की, दिल दुखता भाई खुदा की कसम हमारा इस मुल्क के अंदर। सर, जब आप यूरोप में गए थे तो इंडियन का आपके साथ रवैया कैसा? मेरा कारोबार उन लोगों के साथ है, दुबई के अंदर सब इंडियन लोगों से मेरा कारोबार है, बिजनेसानियों से बिजनेस है ही नहीं। कैसा बिजनेस है उनके साथ? क्योंकि भाईजान ये मुझे नहीं समझ आती ये क्या होता, जहाँ वहाँ तो हम सके भाइयों से बढ़ के रह रहे हैं, आधार लेते भी हैं, देते भी हैं, कारोबार करते हैं, मेरे बाद मिलके खाते पीते हैं, ऐसी कोई बात ही नहीं है, हमारे बीच में तो हवा भी नहीं गुजरती, खुदा की कसम बोलूंगा हमारे बीच में तो हवा भी नहीं गुजरती। क्या दुआ है इस पाकिस्तान के लिए, इस मुल्क के पाकिस्तान के लिए, इस मिट्टी के लिए? अल्लाह ताला सबसे पहले तो जो हमारे ऊपर बड़े हैं,
मैं प्रोटोकॉल वाले को जांच छड़ाऊं तो पाकिस्तान ठीक हो जाए। मैं भाई जान आपके बात की आपने सर आ गया एक मिनट, आपने बड़ी अच्छी बात सर क्या कह रहे हैं प्रोटोकॉल। मैंने कहा जो पाकिस्तान की अशरफिया है इससे प्रोटोकॉल से जाँच छूटेगी तो पाकिस्तान का कुछ बनेगा, जब तक ये अशरफिया है पाकिस्तान का कुछ नहीं बनने वाला। सर क्या दुआ पाकिस्तान के लिए? दवाएं हम तो कर करके 56 साल हो गए, अभी तो हमारी आगे की तैयारी है मेरे भाई। हम तो जब से हमने होश संभाला हम इनके लिए अच्छा सोच रहे हैं लेकिन अच्छा हो नहीं रहा। मैंने आपको बोला 25,000 बंदा जो है ना, ये 25 करोड़ आवाम को जर्गमाल बना के बैठा हुआ है इस मुल्क के अंदर। जब आप अपना इंडियन के साथ बिजनेस कर रहे हैं तो वहाँ के जो इंडियन है वो नरेंद्र मोदी के बारे क्या आपको कहते हैं, क्या बात? नहीं कभी उनसे इस मौजू पर ज़्यादा बात ही नहीं हुई। तरक्की के हवाले से बात नहीं होती? तरक्की के हवाले से आप जितनी भी तरक्की कर रहा है सबको पता, किसको नहीं पता? आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता, किसको नहीं पता, सबको पता है। हम नहीं करेंगे तरक्की, हमारा पाकिस्तान आगे नहीं। नहीं ये नहीं बढ़ेगा भाई जान, जे कुर्बानी मांगता है, जे कुर्बानी मांगता है 1,000 बंदे की कुर्बानी दे दो मुल्क ठीक हो जाएगा। चौकों पर लटका दो, चराहों पर लटका दो 1,000 बंदे को, हमारा मुल्क ठीक हो जाएगा। समझ गया कि नहीं? उस टाइम तक हमारा मुल्क ठीक नहीं होगा मेरे भाई, जे कुर्बानी मांगता है 1,000 बंदे को लटका दो मुल्क ठीक हो जाएगा। 1,000 बंदे को उल्टा लटका दो मुल्क ठीक हो जाएगा? लटका दो, जान से मार दो उनको, जान से मार दे, चौक पे चौराहों पे जो है वो जान से मार दो। तो मोदी जो है वो जा रहे थे अपना प्रोटोकॉल के साथ, जब उन्होंने देखा कि एम्बुलेंस आ रही, उन्होंने अपना जो है ना काफिला रोक के एम्बुलेंस को रास्ता दिया। तो सर वो इतनी मतलब कदर करते हैं, जब हमारे इधर एम्बुलेंस आनी होती है तो हम कुछ उनके साथ कैसा रवैया अख्तियार करते हैं? सर ये तो डेफिनेटली एक इंसानियत और शऊर से रिलेटेड मामला है। इंसानियत तो प्रेफर करती है कि आप रास्ता दें जो भी एम्बुलेंस आ रही है, और चूँकि शऊर सबसे पहले हमारी कौम में एक चीज़ जो सबसे लैक करती है शऊर है, वो शऊर जब तक नहीं आएगा लोगों को आम को कि प्रेफर प्रायोरिटी किसको देनी है। अभी तो एम्बुलेंस तो एक चले कॉमन सेंस की बात है, कोई भी एक आम कॉमन सेंस वाला बंदा उसको रास्ता देगा, ठीक है ना। जो प्राइम मिनिस्टर हो, वो एक आम बंदा हो, गाड़ी में बैठा हो, ये तो एक मेरे ख्याल में एक ऑब्लिगेशन है कि उसको रास्ता देना हमें चाहिए। लेकिन उसके अलावा बहुत से मसाइल हैं, ये तो एक छोटा सा मसला है जिसको मोदी ने तो चले वो एक एग्ज़ैम्पल की ज़ाहिर है, लीडर है, लीडर को देख के चीज़ें लोग फॉलो करते हैं, सीखते हैं, तो उसके साथ तो हमारा कंपैरिजन मेरा ख्याल बहुत इम्पॉसिबल है। जी 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 जी, देखिए हमारे साथ ही तकरीबन हमें खड़े हैं, आप कैमरा अपना डालें सड़क की तरफ और यहाँ पे देखें कि ड्राइविंग के जो मैनर्स हैं या रूल्स हैं कौन कितना फॉलो कर रहा है, ये दिखाइएगा गाड़ियों को। अभी देखें यहाँ पे अगर एम्बुलेंस आ जाए, अगर यहाँ पे एम्बुलेंस आ जाए, अगर एम्बुलेंस आ जाए तो वो क्या करेंगे ये लोग बेचारे, किस कैसे रास्ता देंगे? ये रास्ता देने की पोजीशन में है, गाड़ी बहुत हो चुकी है। जी, मैं जी असल में बात करना चाह रहा हूँ लीडरशिप के ऊपर, खुल के बात करें, खुल के। सर ये है कि देखें हमारे हुक्मरान क्या कर रहे हैं, गाड़ियाँ ले लेते हैं सर। सर गाड़ियों का इशू तो छोटा है, अगर आप जमहूरियत की बात करेंगे तो जमहूरियत तो पाकिस्तान में मेरा ख्याल है जब से पाकिस्तान बना है ही नहीं, आई नहीं है। तो अब देखें, अब आगे मियाँ साहब आ रहे हैं, अल्लाह खैर करे, जमहूरियत लेके आ रहे हैं, अल्लाह ताला उनको कामयाब करे। इंडिया को किधर देख रहे हैं सर? इंडिया को हम मेरा ख्याल देखना ही नहीं चाहिए, इंडिया से हमारा कंपैरिजन ही कोई नहीं। क्या कंपैरिजन है उसके साथ? चाय बेचने वाला सर इतना ग्रो कर, ओ सर वो ईमानदार लोग हैं वो। देखिए लीडरशिप जब तक ईमानदार नहीं ना होगी तो मैं और मेरी और आपकी ईमानदारी से चीज़ें नहीं बदलेंगी। क्या बदलेंगी? सर मैं देख रहा था, कल की न्यूज़ देख रहा था कि चाइना और USA वो भी पीछे रह गया, इंडिया ने उन्हें भी पीछे छोड़ दिया तरक्की में सर। नहीं सर वो तो चले, मेरा इतना नॉलेज तो नहीं है कि मैं इन कंट्रीज़ को कंपेयर करूं, लेकिन ये है कि इंडिया को हमें कंपेयर नहीं करना चाहिए, हर लिहाज में उनसे आगे है। हम कैसे आगे जाएंगे? हमारी भी ख्वाहिश है, हमारा भी पाकिस्तान ग्रो। सर हम बहुत आगे जा रहे हैं माशाल्लाह, ये देखिए ना, महंगी से महंगी गाड़ी है, महंगे से महंगे हमारे पास कपड़े हैं, लग्जरी है। आप लाहौर में देखते हैं कौन सा ब्रांड है जहाँ पे रश नहीं है? सही बात, MM आलम रोड भी आप जाते होंगे, बहुत रश है, बहुत रश है। की तो देखे ना है। अब तरक्की अगर ग्रास रूट लेवल पे करनी है तो वो मैं और आप कुछ भी नहीं कर सकते, बस यही है। आपने मुझे रोका, मैंने इंटरव्यू दे दिया बस सुनवाई कोई नहीं है, बस अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए।